अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम पेश करके बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो भी बंदा बाबू सलाम से सलाम पढ़कर बाहर निकल रहा है तो उनके सिर्फ आंसू ही नज़र आ रहे हैं कि हर आंख से जो है वो आंसू ही टपक रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये रोज़ा खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रोने को दिल चाहता है कि रोने वाला। जिस सुबह का इंतज़ार था शिद्दत से, आज बिल आखिर वो करम की घड़ी आ पहुंची। यकम रबीउल अव्वल की रात एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कल सुबह कोई महबूब से सालों बाद मुलाकात करने जा रहा हो। यकीन करें अल्फाज यहाँ बेबस हैं इस खुशी के आगे। एक एक लम्हा सालों जैसे लग रहा है, समझ नहीं आ रही इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, इस जज्बे को किन अल्फाज में बयान करूँ, दिल की इन बेतरतीब धड़कनों को किन अल्फाज की तशबीहात दूँ। यूँ महसूस हो रहा है जैसे एक मुहिब अपने महबूब से बरसों बाद मिल रहा हो। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ये अल्फाज से ज़्यादा एहसासात पर मबनी है। अगर आप इस वक्त मसरूफ़ हैं तो मेरा मशवरा है कि आप ये वीडियो अभी ना देखें। जब आप फारिग हो जाएं, तब सुकून से बैठकर ये वीडियो महसूस करें देखने और सुनने से पहले। यकीन करें आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अहले मदीना ने आखिरी ईद उल फितर अपने घरों में महसूर होकर मनाई। कोरोना वबा की वजह से औलाद अपने माँ बाप से, बहन भाई एक दूसरे से और दोस्त अपने दोस्तों से ईद की खुशियाँ या अपने गम एक दूसरे से नहीं बांट सके। लेकिन आज का जो दिन है वो अहले मदीना के लिए किसी ईद से कम नहीं है। क्यों ना हो, तारीख़ में पहली मर्तबा कानों ने सुना और आंखों ने देखा कि मस्जिद नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक 9 महीनों तक बंद रहा। 1400 साल तारीख में ये पहली दफ़ा था कि ये कर्ब पूरे आलम इस्लाम और ख़ुसूसी तौर पर अहल मदीना ने इस कर्ब को महसूस किया कि किस तरह वो अपने महबूब से करीब होकर भी दूर अपने महबूब के दर पर हाजिरी ना दे सकें। بعد عباد الله فاجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله وطوبى لمن كان. क्या तसरात हैं आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये रोज़ा खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह और कितने 7-8 महीने के बाद खुला है? 7-8 महीने के बाद खुल गया है। रोने को दिल चाहता है कि रो ले बंदा। मेरा इरादा था कि यहीं एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करने का, लेकिन यकीन करें जब सलाम अर्ज़ करने आए तो जज्बात इस तरह बन गए कि हिम्मत भी नहीं हुई वीडियो बनाने की और कुछ बात करके रिकॉर्ड करने की। तो इसीलिए अभी ये सारा काम घर पे हो रहा है। अल्लाह के फ़ज़ल से जब 2 हफ्ते पहले ये ख़बर आई कि रोज़ा मुबारक आम आवाम के लिए खोला जा रहा है और ज़्यारत करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के लिए ऑनलाइन इजाज़त नामा हासिल करना लाजिम है, तो अहले मदीना एक दूसरे को व्हाट्सएप पर पैगामात भेज रहे थे और पूछ रहे थे कि किस खुश नसीब को इजाज़त मिली है और कौन बेचारा रह गया है। तो अल्लाह का शुक्र है
کہ ہمیں پہلے دن سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اس موقع پر واقعی ہی قابل مثال انتظامات کیے تھے جو کہ قابل شکر بھی ہیں، اور ان انتظامات کا الفاظ میں احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے. قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں. مسجد نبوی کے امام صاحب زائرین میں ہدایہ تقسیم کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کو جلد ہی اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہفتے میں ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں مقامات مقدسہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ، اور بقیہ دنوں میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اسے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس حوالے سے ہمیں بنانی چاہیے. اسعد توقيت ان نزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره 7 شهور، يعني كان عندنا احباط شديد لعدم زياره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.